वेलकम बैक इन माई चैनल। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस पी ए। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस अभी हम नहा धोके हो चुका है रेडी, आपका भाई नहा धोके हो चुका है रेडी। और फिलहाल फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं विक्रमगंज। हम सोनू मतलब कि प्रोक्सम हो जाने वाले हैं 4 बजे से, तो आपको वहाँ का भी चल के थोड़ा सा रिव्यू वगैरह दिखाते हैं। और मेरा एक ब्लॉग जो था आज का थोड़ा लेट ब्लॉग मेरा शूट होने लगा क्योंकि मैं क्लास चला गया था, तो अभी आया हूँ उधर से। थोड़ा फॉर्म वगैरह भी फिल करना था, तो उसको भी हम फिल करने में मेरा जो है वो टाइम ज़्यादा मतलब खींच लिया वहीं पे, और आने में भी थोड़ा काफ़ी लेट हो गया। तो अभी हम नहाए जस्ट, और अभी नहा के खाना वगैरह कुछ खा लें, फिर आ रहा है सोनू, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं विक्रमगंज मस्त। और वहाँ पे आज घूमेंगे फिरेंगे पूरा, देखेंगे विक्रमगंज का पूरा माहौल सिचुएशन कैसा है। और एक सर से भी हम लोगों को मिलना है, तो हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। और फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू की वहीं। गाइस फाइनली तो हम अभी विक्रमगंज के लिए निकल चुके हैं। कुछ बात है तो मार्केट को उद्घाटन से जाता में जाम लगी हमारे को भी चल पड़ी। और अभी आप देख सकते हैं हमारे रोड पे कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, पता नहीं कौन भाई साहब आने वाले हैं, सेलिब्रिटी मैन, जिनके स्वागत में लोगों को इतना दिक्कत पहुँचाया जा रहा है। खैर जो भी हो उसमें होकर हम लोग तो निकल चुके हैं। जाएंगे लोग विक्रमगंज, फाइनली विक्रमगंज आए। तो अभी हम मार्केट के लगे, फाइनली तो हम विक्रमगंज पहुंच गए। विक्रमगंज विक्रमगंज वेलकम विक्रमगंज वेलकम टू इन विक्रमगंज सॉरी। तेल लेंगे खाली जड़ी हो गए भाई साहब। 5 तारीख है फाइनली तो यही भी मार्ट का ओपनिंग हुआ है, जिसमें कि नेता मंत्री लोग इतने भीड़ लगाए हुए हैं। हाँ 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 इसी मार्केट को ओपनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था सोनू बाबू यहाँ पे। इसी मार्केट को ओपनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त और भीड़ है सोनू भाई। आहिस्ते 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 चुके हैं विक्रमगंज स्टेशन। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, ट्रेन आने वाली है और सोनू जी को फिर हम अरियात देंगे ट्रेन पर बैठा के ससाराम के लिए। अभी यहाँ से कुछ दूर है स्टेशन, हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बाइक उग जाना बैंड है, वहाँ पे लगा हुआ है वो देख सकते हैं डिवाइडर लगा हुआ है शायद दिख रहा है यहाँ से आपको, वहाँ पर नहीं जा सकता है बाइक। तो हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं अभी स्टेशन। तो ये छोटा मोटा सा स्टेशन विक्रमगंज का, रनिया दौड़े आवत रहे हैं अभी, यहाँ पे वर्क भी चल रहा है शायद। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, सोनू पानी पी रहा है। अभी ट्रेन आने वाली है, आने में थोड़ा कुछ वक्त है ट्रेन को। ए गलत बात, पहुँच चुके हैं लोग स्टेशन। नहीं आए थे लोग, हाँ आज भी एक लड़का आया था 12 बजे। कौन बजे आ रहा था, कितने बजे खुल रही है ये? 1:30 बजे है, 3 बजे ट्रेन है। तो गया है, उस पर हमसे बात
बुक करते हैं। फाइनली तो हमारा जितना भी वर्क था यहाँ का स्टेशन वाला काम हो चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा हम खुश और एक्साइटेड हैं। बट आपको बता नहीं सकते हैं कि हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे और वो मेरा जो सस्पेंस में रहेगा वो मेरा बात, हम उसको बाद में आपको बताएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं घर, फाइनली तो अभी हम आ चुके हैं हम लोग अपना घूम घाम के घर। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्या मतलब धूल गलदा जो कर था काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हुआ, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा मतलब कि कुछ महीनों से रुका हुआ जो काम था वो आज मेरा पूरा हो चुका है फाइनली, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। अब तक लिए आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहें, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग घूमे, इन्जॉय किए, मज़ा किए, और हर जगह का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि कि हर मोमेंट और हर जगह वीडियो शूट करने लायक नहीं होता है, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए हर जगह का वीडियो शूटिंग। बट हम लोग काफ़ी मज़ा आया घूमने फिरने में, और ऑब्वियसली जो मेरा काम था मतलब 3-4 महीने से रुका हुआ था वो चीज़ मेरा आज फाइनली हो चुका है। अब मुझे टेंशन नहीं है, बस हो गया है भगवान की कृपा से और हमारी मेहनत से। और मतलब यही जो बात है, जिस काम के लिए हम इतने दिन से पड़े हुए थे, मेरा काम फाइनली हो चुका है। मैं काफ़ी ज़्यादा आज खुश हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल मेरे ब्लॉग में बने रहें।